सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुमशुदा का मिला कंकाल, दो दिन से था लापता, बेटे से किया था वादा। कोरोना महामारी के चलते पुलिस काफी चुनौतियों से गुजर रही है। वहीं बलरामपुर पुलिस को एक सूचना मिली कि गैसड़ी थाना क्षेत्र के पचपेड़वा हाईवे के बगल में एक मानव का कंकाल पड़ा हुआ मिला। कंकाल के पास से पुलिस ने कपड़े, मोबाइल फोन और पर्स बरामद किया। पर्स में कुछ कागज के टुकड़े मिले जिस पर मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। उन नंबरों पर फोन करने से पता चला कि मृतक का नाम शिव कुमार है, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। आज थाना गैसड़ी के लौकावा के पास एक नरकंकाल प्राप्त हुआ है, जिसके शिनाख्त शिव कुमार नाम के व्यक्ति के रूप में की गई है, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। इसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी और इसकी तलाश की जा रही थी, जिसका नरकंकाल आज मिला। इसमें पोस्टमार्टम और पीएम की विधिक कार्यवाही की जा रही है। जांच में पता चला कि मृतक के भाई ने तहरीर दिया था कि उसका भाई अपने बेटे के साथ अपने जीजा के यहाँ गया था। वहाँ से वापस लौटते समय अपने बेटे को रजडरवा के पास छोड़कर बोला कि थोड़ी देर के बाद घर आ जाऊंगा, और तब से वह घर नहीं आया। उसके बाद बड़े भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और आज उसका कंकाल मिला। घर में शिव कुमार की मौत की खबर सुनते ही पूरा घर सदमे में चला गया। उसका बेटा तब से अपने पिता का इंतजार कर रहा था, जब से उसने उसको रजडरवा के पास छोड़ा था। उसको नहीं पता था कि उस दिन वो अपने पिता से आखिरी बार मिल रहा था। अब पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। जल्द ही मौत का कारण सामने आ जाएगा। न्यूज टाइम नेशन के लिए अशोक कुमार पाल की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।